दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप स्वयं देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें अग्निवीर। इसमें क्या, सेना में 7 महीने में 40,000 की भर्ती होगी और सभी जो हैं 773 जिलों में चलेगा अभियान। जितने भी, कहने मतलब क्या, पूरे भारत के अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में अभियान चलाया जाएगा। और इसमें जो है पहले साल 9 सेना में 3,000, वायुसेना में 3,500 पदों पर जो है अग्निवीर होगी भर्ती। इसके अंतर्गत क्या है, सेना में अग्निपथ योजना के तहत 7 महीनों में 40,000 जवानों की भर्ती होगी और 4 साल के कार्यकाल के लिए अनुबंध के आधार पर ये भर्तियां होंगी। मतलब कि अनुबंध आप समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर जो है ये भर्तियां निकाली जाएंगी और हर डिपार्टमेंट में ही ऐसा होगा। जब आप समझ सकते हैं, जब सेना में ये चीज़ चल रही है तो हर डिपार्टमेंट में करने की इनकी योजना है सरकार की। वायुसेना की इसमें आप स्वयं देख सकते हैं लिखा हुआ, वायुसेना में 1 साल में 3,000 और इसमें 3,500 जो है अग्निवीरों का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें अनुबंध के आधार पर भर्तियाँ होंगी और ये 40,000 भर्तियाँ होंगी। ये आप देख लीजिए लिखा हुआ है इसमें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यूपी और उत्तराखंड में अगस्त में शुरू होगी अग्निवीर भर्तियों की रैली। इसके तहत मिशन अग्निपथ के तहत सेना में भर्ती के लिए यूपी और उत्तराखंड में अगस्त में से रैलियां शुरू होंगी। और इसमें जो है मध्य कमान के सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने बुधवार को लखनऊ में स्थित छावनी में बताया है कि जो है आगे से सारी तैयारियाँ जो अग्निपथ स्कीम के जरिए होंगी यह पुरुषों के लिए हैं, लेकिन मिलिट्री पुलिस में जो है महिला सिपाही की भर्ती में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सेना में कार्य में इसके अंतर्गत अक्टूबर के आखिरी नवंबर सप्ताह में भर्ती कराई जाएगी और अगस्त आखिरी एवं सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तराखंड में मेरठ सहित जो है पश्चिमी यूपी के जिलों में भर्ती होगी। पहला बैच जो है अगले साल जनवरी में किया जाएगा, जुलाई में सेवा आ जाएगी। यानी मतलब क्या है कि जुलाई में सेवा जो है आ जाएगी। कई जगह जो है इस सेना का विरोध भी हुआ है कि एक बात बताइए, ये संविदा पे हमको रखे जाएंगे और 4 साल के बाद इनको हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें आप स्वयं देख सकते हैं लिखा हुआ है जो है कि अग्निपथ योजना पर क्या सवाल उठ रहे हैं कि अग्निपथ के अंतर्गत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में किया जाएगा भर्ती किया जाएगा। इस योजना के तहत जो है हर साल करीब जो है 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। इसमें 17 साल से लेकर 21 साल की उम्र को युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। केवल और केवल ये भर्ती जो है मेरिट के बेस पर होगी, लिखा हुआ है इसमें जो है मेरिट और मेडिकल के आधार पर होगी। पहले क्या होता था, इसके में जो है इसमें दौड़ भाग करने के बाद इसमें एग्जाम कराया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। सिर्फ 4 साल पूरे होने पर 25% ही स्थायी कमांडर में भर्ती की जाएंगे। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, यह तभी संभव होगा जब सेना में भर्ती निकाली जाएगी। मतलब क्या है, सेना में जो 75% जो है, कहने मतलब 4 साल के लिए भर्ती होंगे सेना के अंतर्गत, इसके बाद उनको हटा दिया जाएगा या नहीं वो तो बात की बात है। यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है इसमें जो, नहीं होगा सुरक्षा जानकारियों का दुरुपयोग। लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी बोले हैं कि सभी अग्निवीरों का डिटेल होगा सेना के पास, सही है। और इसमें लिखा हुआ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल व असम राइफल्स की भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। प्राथमिकता जो है नहीं मिलेगा पूर्व सैनिकों को दर्जा। इसमें जो है पूर्व सैनिक जो रह चुके हैं वो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, केवल नए सैनिक आएंगे और इसके अंतर्गत नए लड़के आएंगे जो एकदम से 17 से 21 साल के बीच के जो लड़के हैं वही लिए जाएंगे इसमें सेना में। अगली खबर की ओर अपनी बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है GIC मतलब राजकीय इंटर कॉलेज को मिले हैं 485 प्रवक्ता, रसायन विज्ञान गणित व संस्कृत विषय का प्रणाम जारी। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज को 3 विषय के 485 नए पदों पर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 के 3 विषयों का, रसायन विज्ञान गणित और संस्कृत का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। अब जब है आपने देखा होगा कि जब इसके अंतर्गत जो है GIC में भर्ती हो चुकी है, अब इसके अंतर्गत जो आपको बाबू और चपरासी भर्ती बहुत जल्द इसका विज्ञापन आने वाला है। हो सकता है कि इसका विज्ञापन जो है 15 जुलाई के आसपास इसका विज्ञापन दे दिया जाए, क्योंकि अब जो है प्रवक्ता की भर्ती हो चुकी है। इसके बाद जो LT ग्रेड इसमें शिक्षक भर्ती आएगी, इसके बाद तुरंत बाद बाबू और चपरासी भर्ती की सरकार ने वादा किया था, तो इसके अंतर्गत जो है वो भर्ती भी निकाली जाएगी। आगे देखते हैं अगली खबर की ओर। इसमें लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक कॉलेज में रसायन विज्ञान के लिए 48 प्रवक्ता जो है उसका अंतिम परिणाम कल जारी कर दिया गया है। अपनी अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि आज से खुलेंगे प्रसिद्धीय विद्यालय। मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो आज से खुल रहे हैं। इसमें जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद प्रसिद्धीय विद्यालय आज से खुल रहे हैं। स्कूलों के निरीक्षण के लिए जो है मुख्य विकास अधिकारी के जनपद से विकास खंड में निरीक्षण के लिए जाएगी टीम। मतलब क्या है कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं पूरी इन्फॉर्मेशन इन टीचरों को देनी पड़ेगी और गाँव जाके बच्चों को बुलाना पड़ेगा। अपनी अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। DLED प्रशिक्षण 2022 के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए। पहले ही दिन 1,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन।
बोर्ड जो है मतलब हाई स्कूल और इंटर का परिणाम जो है हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने खुद बोला है कि इसका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है और यूपी बोर्ड की परीक्षा परिणाम में हुआ विलम्ब और मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2022 का परिणाम समय पर जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं और इसमें जो है बैठक भी की गई है। इसके जो 51 लाख अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दी थी, 51 लाख अभ्यर्थियों ने इन्होंने दी और इसके अंतर्गत जो इसमें बैठक बताई गई है कि इसमें जो है कमेटी बना दी गई है, अगर परिणाम नहीं आता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि बहुत इसका रिजल्ट जो है बहुत लेट हो चुका है। इसलिए जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने बोला है कि जो है कि जल्द से जल्द इसका परिणाम घोषित किया जाए। सेना में जो है भर्ती के लिए इसमें बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम के विरोध किया गया, क्योंकि विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि 4 साल संविदा पर रखा जाएगा, इसके बाद जो है इनको हटा भी सकते हैं और आगे इनको पक्का कर भी सकते हैं। तो विभिन्न विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि 1.5 साल में के बाद जो है सेना में भर्ती लिखित परीक्षा नहीं होने पर जो मुजफ्फरनगर में अभ्यर्थी बवाल, इसमें क्या बिहार में अग्निपथ योजना का होगा लाभ और इसके अंतर्गत जो है इसमें विरोध भी हो रहा है। इसमें जो है बिहार में अग्निपथ इसमें योजना का विरोध कर रहे हैं कि लोग बार जो है इसके अंतर्गत डायरेक्ट मेरिट बनाई जाएगी। आपके लिए खुशखबरी आ गई है, जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनको चपरासी भर्ती है और क्लर्क भर्ती का इंतजार था, वो भर्ती का विज्ञापन जो है बहुत जल्द आने वाला है। और एक खुशखबरी और है आपके लिए, यदि पति पत्नी एक ही शहर में हो सकेगा तबादला, मतलब क्या आप स्वयं देख सकते हैं लिखा हुआ समूह गे और घे के तबादले का मतलब समझते हैं आप ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र जो है समूह गे और घे के लिए जो ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने बोला है। अगर आप एक ही स्कूल में, सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर एक स्कूल के अंदर अगर पति पत्नी दोनों चपरासी हैं बाबू, तो उनको एक ही स्कूल में जो है रखा जाए, किसी कारण से अगर सीट खाली नहीं है तो वो जो है उसके अंतर्गत अगले स्कूल में कर देंगे, पर एक ही शहर होगा, मतलब क्या इस शहर के अंतर्गत क्या है, एक ही शहर में जो है केवल एक ही शहर में रखा जाएगा हस्बैंड और वाइफ को, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग शहर में काफ़ी दिक्कत पड़ती है। इसलिए उन्होंने कहा, सरकार ने बोला है कि जो है अगर इनका तबादला अगर होता है समूह गे और समूह खे के कर्मचारियों का, लिखा हुआ है इसके अंदर प्रदेश सरकार ने जो है समूह गे और घे, आप स्वयं देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें समूह गे और घे के कर्मचारी पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है तो उन्हें एक ही ज़िले में और एक नगर में एक स्थान पर हस्तांतरित किया जा सकेगा, मतलब एक ही जगह पर एक हस्तांतरित किया जा सकेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और समूह गे और घे के तबादले जो हैं अगर होंगे, तो अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है और आपकी वाइफ का भी हो जाता है तो आप एक ही शहर में एक ही स्थान पर रहेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भर्ती जो है आपके हाथ से निकलना जाए, कोई सूचना आपके हाथ से छूट ना जाए, कोई नोटिस आता, सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर, और जो है इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।